संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। अरविंद केजरीवाल ने जो आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, भारत की राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी हलचल मचा रखी है। बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक अज्ञात युवा अचानक भारत की मीडिया में प्रमुख हेडलाइंस बनाने लगा। क्या आप समझते हैं कि उनमें उन कार्यों को करने की योग्यता है जिन गतिविधियों में वे और उनके साथीगण संलिप्त है, या वे इस ड्रामे में केवल एक भूमिका निभा रहे हैं जिसकी पटकथा बड़े खिलाड़ियों के द्वारा भारत को अस्थिर बनाने के लिए लिखी गई है। क्या आप सच को जानने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको ऐसा झटका देगी जो आपको अपने जीवन में कभी नहीं मिला होगा। हमारी कहानी वॉशिंगटन डीसी में 19 जुलाई 2011 से शुरू होती है। पाकिस्तानी मूल के दो लोगों को वॉशिंगटन में गिरफ्तार किया गया। अमरीकी न्याय विभाग की वेबसाइट से ये उजागर होता है। गुलाम नबी फाय। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि गुलाम नबी फाय पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI का एक एजेंट था। इस संबंध में उसने एक प्रमुख व्यक्ति अंगना चटर्जी के साथ गुप्त रूप से काम किया, जो US की एक निवासी है। 16 दिसंबर 2011 को अंगना और उसके पति रिचर्ड शेपीरो को उनके नियोक्ता कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रल स्टडीज द्वारा विध्वंसक गतिविधियों के लिए निकाल दिया गया था। अधिकारियों ने रिचर्ड के भारत विरोधी गतिविधियों के कारण भारत में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी है। अंगना भारत में अपने राष्ट्र विरोधी साथियों जैसे अरुंधति सुजैन रॉय के साथ गुप्त रूप से काम करती हैं। दोनों ने एक साथ कश्मीर पर एक किताब लिखी है। इसी के साथ वे लोग तीन भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय समूह के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान की ISI, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल IAMC और प्रॉक्सा, प्रोग्रेसिव साउथ एशियंस। प्रॉक्सा एक छतरी समूह है जिसमें 300 से ज्यादा अल्ट्रा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और 20 से ज्यादा संगठन अलग अलग नाम से पूरे विश्व में कार्यरत है। सन 1967 में चीनी सरकार की सक्रिय भागीदारी से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की स्थापना बंगाल और दूसरे राज्यों में हुई, जिसे सामान्यतः नक्सल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। सैकड़ों कॉलेज स्टूडेंट्स और युवा खेतीहर मजदूर क्रांति लाने की आशा से जुड़े, जो कभी सफल नहीं हुआ। जबकि इसमें से कई लोग अमरीका और अन्य कई देशों में गए और अपनी विध्वंसक गतिविधियों को जारी रखने की कोशिश करते रहे। प्रॉक्सा और उनकी सिस्टर ग्रुप्स फॉयल और AID की शुरुआत उन्हीं लोगों के द्वारा की गई। इन लोगों का सबसे प्रमुख चेहरा फेडरेशन ऑफ इनकलाबी लेफ्टिस्ट FOIL है। इससे पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन लेफ्टिस्ट के नाम से जाना जाता था। उनके अनुसार FOIL का मिशन यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और इंग्लैंड में कट्टरपंथी इंडियन एक्टिविस्ट के लिए एक क्लियरिंग हाउस, जहां उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने में मदद मिले जो उनकी कट्टरपंथी राजनीति को ज्यादा सार्थक बना सके। विजय प्रसाद FOIL ग्रुप का प्रमुख संस्थापक है। उसका कहना है कि आधुनिक हिंदुत्व फांसीवाद और नक्सलवाद के अलावा और कुछ नहीं है। फांसीवाद के बारे में जो हम मीडिया में सुनते हैं और राजनीतिज्ञों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, वो इन्हीं लोगों की देन है। यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये सभी एक ही बात करते हैं कि BJP या अन्य हिंदू संगठन फासिस्ट हैं। इस तरह के राष्ट्र विरोधी विचार रोमिला थापर जैसी मार्क्सवादी इतिहासकारों से आते हैं। बीजू मैथ्यू, एक अन्य सह संस्थापक के नजदीकी संबंध धर्मांतरण कराने वाले इवेंजेलिकल ईसाई मिशनरी और दलित समूहों से हैं। लाखों लोगों, विशेषकर तथाकथित दलितों
और जनजातीय लोगों का धर्मांतरण करा देना उनकी रणनीति है। विनय लाल, लाल सलाम के नाम से एक ब्लॉग चलाता है। कट्टरपंथी इस्लाम के लिए उसकी और इन समूहों की सहानुभूति स्पष्ट है। इस छत्री समूह का दूसरा महत्वपूर्ण संगठन एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट है। AID कम्युनिस्टों और उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों के लिए धन एकत्र करने का सीधा वैधानिक चैनल बन गया है। AID अरविंद केजरीवाल के लिए फंड एकत्रित कर रहा है और दिल्ली के चुनाव के दौरान प्रचार के लिए उसने स्वयंसेवी भी भेजे थे। अब आप समझे कि भारत के बाहर के कुछ प्रमुख लोगों का परिचय कराने की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी, जिनके संबंध आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्यों, पाकिस्तान और ISI अल्ट्रा कम्युनिस्ट, भारत विरोधी दलित अलगाववादियों और ईसाई धर्मांतरणकर्ताओं से हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस या CAIR अपने नेताओं के अतिवादी विचारों के लिए जानी जाती है। AID जो कि आम आदमी को धन देता है, उसने CAIR के साथ एक इवेंट को सह प्रायोजित किया था। CAIR का एक सदस्य जो कि लश्कर ए तोयबा का भी सदस्य है, कश्मीर आतंकियों को प्रशिक्षण के लिए अवैध रूप से हथियार और विस्फोटक दिलाने के आरोप में जेल भेजा गया है। CAIR कम्युनिस्ट समूहों के साथ गुप्त रूप से काम करता है और उनका मानना है कि कुरान को अमेरिका में सबसे बड़ी अथॉरिटी होनी चाहिए और इस्लाम ही धरती पर एकमात्र स्वीकार किया जाने वाला धर्म होना चाहिए। अब आप समझे कि प्रशांत भूषण जैसे आपके कुछ प्रमुख नेता क्यों भारत में कश्मीरी अलगाववाद, सशस्त्र नक्सलवाद, अल्ट्रा कम्युनिस्ट और दलित अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। डॉक्टर सुगतो बोस हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री के प्रोफेसर और भारतीय स्वतंत्रता के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रैंड नेफ्यू हैं। वो भी इसी सर्कल से जुड़े हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर आयशा जलाल एक पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि टुफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन में सुगतो बोस के साथ निकटता से काम करती है। इन लोगों का मानना है कि औरंगजेब, जो भारत में सभी मुस्लिम शासकों में सबसे निर्दयी और हठधर्मी था, वो सबसे अच्छा शासक था। ये लोग स्पष्ट रूप से इस्लाम के प्रति सहानुभूति रखने वाले हैं। अंगना जैसे लोगों के साथ आयशा और सुगतो, इन दोनों ने कई अवसरों पर पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी अलगाववाद का समर्थन करते हुए बयान दिया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल या IAMC एक फ्रंट संगठन है जो पाकिस्तान, भारत और अमेरिका में इस्लामी समूहों के लिए काम करता है। उसकी वेबसाइट देखें तो आप महसूस करेंगे कि इस ग्रुप का उद्देश्य भारत सरकार की धर्म निरपेक्षता की नीति को बदनाम करना, भारत में प्रतिबंधित सिमी जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम समूहों को सुरक्षा कवच देना और गुजरात सरकार के विरुद्ध दुष्प्रचार करना है। IAMC और अन्य संबंधित मुस्लिम समूह, हर्ष मंदर, आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्य जैसे भारतीय एक्टिविस्टों को प्रायोजित करते हैं। हर्ष दोभाल कॉम्बैट लॉ का प्रबंध संपादक, जो एक पाक्षिक माओवादी प्रकाशन है जो भारत में उग्र और आतंकी नक्सल आंदोलन के दर्शन का समर्थन करता है। जैसा कि अभी पूर्ण विदित तथ्य है, माओवादी ISI की सहायता से PWG पीपल्स वॉर ग्रुप और MCC माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर जैसे नक्सली समूहों के साथ पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी गलियारे का प्रयोग करके संबंध स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। इस तरह की घातक साझेदारी भारत की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा कर रही है। दोभाल इंडिपेंडेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल IPT का सेक्रेटरी भी है। सन 2010 में
उसने रिपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट पीपल्स ट्रिब्यूनल ऑन ह्यूमन राइट्स वायलेशन इन कश्मीर नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। हिंदुओं और भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को उजागर करने में ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क का भी ऐसा ही दृष्टिकोण है जैसा कि विभिन्न चर्च समर्थित दलित और लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट संगठनों की है। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क के कुछ दानदाताओं और पार्टनरों में अनेक यूरोपियन सरकारी एजेंसियों के साथ इवेंजेलिशर एंड वीकलांग्स डीन्स्ट ईईडी, क्रिश्चियन एड, चर्च ऑक्सिलरी फॉर सोशल एक्शन, डॉन चर्च एड इत्यादि शामिल हैं। आईएएमसी नियमित रूप से बीजू मैथ्यू, राजू राजगोपाल, फेडरेशन ऑफ इंडियन अमेरिकन क्रिश्चियन ग्रुप के जॉन प्रभुडॉस, लीस मैकीन और अन्यों को आमंत्रित करता रहता है। वे फादर सेंड्रिक प्रकाश जैसे लोगों के साथ काम करते हैं जो कि जीसुइट पादरी और विभिन्न सर्कल्स में लोकप्रिय चेहरा हैं और भारत को ईसाइयों, मुस्लिमों और दलितों के दमन का दोषी मानते हैं। सबरंग कम्युनिकेशंस भारत में मुंबई स्थित एक संगठन है जो कि तीस्ता शीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद तथा एक पत्रिका कम्युनलिज्म कॉम्बैट द्वारा चलाया जाता है। सन 1999 में शीतलवाड के कम्युनलिज्म कॉम्बैट ने कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम जैसे राजनीतिक दलों और लगभग 10 प्रमुख व्यक्तियों से बीजेपी विरोधी बड़े अभियानों को चलाने तथा उनको महिला विरोधी हिंदू अतिवादी के रूप में प्रचारित करने के लिए $1.5 करोड़ लिया। हाल ही में उन्होंने संगठन के फंड को अपने व्यक्तिगत उपयोग करने की बात स्वीकार की है। अब पता करते हैं कि किस तरह पुरस्कार संस्कृति के द्वारा इस छतरी समूहों के सदस्य एक दूसरे को सम्मानित करते हैं और अपना काम करते हैं। इंटरनेशनल अवार्ड फॉर रिलीजियस हार्मनी सन 2000 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इवेंजेलिकल चर्चेस द्वारा ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेन्स की याद में शुरू किया गया। ये अवार्ड जॉन दयाल को दिया गया जो एक क्रिश्चियन अतिवादी है तथा नियमित रूप से हिंदुओं और हिंदुत्व को दानव के रूप में पेश करता है। वो ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल AICC का जनरल सेक्रेटरी भी है जो कि कुख्यात दलित फ्रीडम नेटवर्क जैसे राष्ट्र विरोधी संगठन के साथ काम करता है। सन 2003 में शीतलवाड ने एडमिरल एल रामदास के साथ ये पुरस्कार प्राप्त किया था। अंगना चैटर्जी और बीजू मैथ्यू को करेजियसली सर्विंग इंडिया एंड इंडियाज इंटरेस्ट के लिए टीपू सुल्तान पुरस्कार दिया गया। कलीम ख्वाजा एसोसिएशन ऑफ इंडियन मुस्लिम ऑफ अमेरिका AIM के विचारों का प्रमुख प्रवर्तक है जिसने मिली गजट में अपना कुख्यात लेख ब्रदर कैन यू स्पेयर अ टीयर फॉर तालिबान प्रकाशित किया और टीपू सुल्तान पुरस्कार प्राप्त किया। राजू राजगोपाल को प्रमोटिंग प्लूरलिज्म एंड कम्युनल हार्मनी इन इंडिया के लिए बहादुर शाह जफर पुरस्कार दिया गया। मैग्सेसे पुरस्कार अरुणा राय को ये पुरस्कार वर्ष 2000 में मिला। केजरीवाल को ये पुरस्कार 2006 में मिला। यूएस सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA का गोपनीय दस्तावेज CIA और रॉकफेलर फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशन और मैग्सेसे अवार्ड के बीच संबंध दर्शाता है। यहां तक कि केजरीवाल को दिए गए प्रशस्ति पत्र में पहला संदर्भ CIA का दिया गया था। दस्तावेज स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि किस तरह तथाकथित बुद्धिजीवी प्रोफेसर और लक्षित देशों के विद्यार्थी पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित होते हैं। अरविंद केजरीवाल और आपके दूसरे एसोसिएट्स इन पश्चिमी स्रोतों से 2002 से धन प्राप्त कर रहे थे। परिवर्तन के बैनर तले केजरीवाल ने जन सुनवाई अभियान के लिए वर्ल्ड बैंक से धन प्राप्त किया
जबकि संगठन रजिस्टर्ड नहीं था, यद्यपि ये एक आपराधिक कृत्य था। अधिकारियों ने इसको दूसरी तरह से देखा या शासक वर्ग के साथ संबंध था। ये फंडिंग 2006 में केजरीवाल के त्यागपत्र देने, जो कि स्वीकार नहीं हुआ, की अवधि और फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग और ग्रांट ऑफ मैग्सेसे अवार्ड में भी सम्मिलित था। वास्तव में केजरीवाल को मैग्सेसे पुरस्कार 2005 में वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में उनका नाम आने के कुछ दिनों बाद ही दिया गया। सबसे बड़ी जालसाजी ये की जिन दानकर्ता संगठनों ने केजरीवाल के तथाकथित एनजीओ को पैसा दिया था, वही उनके मैग्सेसे पुरस्कार में निर्णय करता थे। इसमें CIA शामिल है। आगे भारत में फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि स्टीवन सोलनिक ने 31 अगस्त 2012 को स्वीकार किया कि केजरीवाल के लिए मैग्सेसे पुरस्कार उनके द्वारा वित्त पोषित था। इसलिए अब आप इस्लामी, कश्मीरी अलगाववादियों, अल्ट्रा कम्युनिस्टों, ईसाई धर्मांतरणकर्ताओं और पश्चिमी ताकतों के बीच स्पष्ट संबंध देख सकते हैं। संबंध और भी स्पष्ट हो जाते हैं जब ये पता चलता है कि 2002 के गुजरात दंगों के साथ इन्हें कुछ न कुछ करते रहना है और इनके दुष्प्रचार ने विश्व में भारत की छवि को बहुत ही खराब रूप में प्रस्तुत किया। ये सोचना बहुत दूर की बात नहीं होगी कि अंगना चटर्जी सहित इनमें से कुछ लोग ISI के लिए काम करते हो। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी को वीजा न देने के लिए US गवर्नमेंट के साथ किसने काम किया। मेधा पाटकर को आपका टिकट दिया गया है। ज्यादातर लोग उनको सरदार सरोवर बांध में हुई देरी के लिए जिम्मेदार होने के नाते जानते हैं, लेकिन अब उनका चेहरा छुपा नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनजातियों ने उनको नक्सल समर्थित गतिविधि के कारण दंतेवाड़ा गांव से बाहर भगा दिया था। अंगना चटर्जी से उनके नजदीकी संबंध हैं। पाटकर के नर्मदा बचाओ आंदोलन, NBA का विदेशी तत्वों से गुप्त समझौते के कई विचलित करने वाले प्रमाण हैं। ये पाटकर और पैट्रिक मैकुली, पूर्व डायरेक्टर इंटरनेशनल रिवर्स नेटवर्क IRN, बर्कले यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुई गोपनीय ईमेलों के आदान प्रदान के रूप में है। ये वही आदमी है जो भारत के दुश्मनों, खासतौर से अंगना चटर्जी जो IRN के बोर्ड में हैं, उनके साथ मिलकर शोरगुल करता रहता है और जो ISI के गुलाम नवी फई के काफी नजदीक था। मेधा पाटकर को पैसे कैसे मिलते थे? उनका नर्मदा बचाओ आंदोलन NBA एक सामाजिक आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि NBA एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो इसे धन कैसे मिलता है, इसके खर्चे कैसे चलते हैं? जैसा कि हमने देखा है, NBA जिसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसके पास अपनी कोई वेबसाइट भी नहीं है। विदेशी स्रोत इसके समर्थित समूहों को धन उपलब्ध कराते हैं, लेकिन कौन से विदेशी स्रोत? अंत में जाली मेडिकल सर्टिफिकेट की आरोपी, एक से अधिक बार कोर्ट की अवहेलना करने पर अर्थदंड पाने वाली पाटकर को अब सुप्रीम कोर्ट ने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने का दोषी पाया है। AID ने आपके दिल्ली चुनाव अभियान के लिए बहुत ज्यादा धन एकत्र किया और स्वयंसेवकों की भर्ती की।
हमने एआईडी को कम्युनिस्ट छत्री समूह प्रोक्सा के महत्वपूर्ण हाथ के रूप में देखा है। हमें एआईडी, फोसा, सीएआईआर और दूसरों के संबंधों के बारे में पता है। आशा फॉर एजुकेशन और इंडिया लिटरेसी प्रोजेक्ट दोनों की एआईडी के साथ साझेदारी है। स्पष्ट रूप से एआईडी और आपके संबंध के कारण आप अरविंद केजरीवाल और भारत के अंदर तथा बाहर स्थित सभी राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच के गठजोड़ को समझ सकते हैं। एआईडी के स्वयंसेवक और फंडिंग टारगेट्स ये दर्शाते हैं कि एआईडी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट संगठनों को सहयोग करता है। एआईडी अधिकतर रूप से भारत में उन समूहों को प्रायोजित और उनके साथ काम करता है जो अतिवादी कम्युनिस्ट आउटफिट्स हैं, जैसे TNSF, AIDWA, DYFI, PWA ग्रुप, AIDWA या ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेन एसोसिएशन। ये कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM की महिला शाखा है। बृंदा करात कम्युनिस्ट नेता और CPIM की सदस्य, कई सालों तक AIDWA की जनरल सेक्रेटरी रही हैं। DYFI या डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया CPIM की युवा शाखा है। DYFI अपने विरुद्ध बोलने वाले लोगों के प्रति कानून और व्यवस्था विरोधी तथा धमकी भरी गतिविधियों के लिए जानी जाती है। यहाँ कुछ और अधिक प्रमाण मिलते हैं कि कैसे AID जो कि आपको समर्थन देता है उसका दूसरे कम्युनिस्ट समूहों से नजदीकी गठबंधन है। 2005 में कनाडा के न्यूज़पेपर अल्टरनेटिव्स के लिए लिखने वाले फिरोज मेहंदी AID के डायरेक्टर श्री M.A. देवदास के साथ हुई बैठक के विषय में चर्चा करते हैं। उन्होंने कई कम्युनिस्ट संगठनों और AID द्वारा रणनीतिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की है। 2005 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट का वेबसाइट अल्टरनेटिव्स के समान कनाडा के पते के साथ अल्टरनेटिव्स के अधीन रजिस्टर्ड किया गया था। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, AID ने फोसा के साथ कई समारोहों का आयोजन किया है। इन आयोजनों में बीजू मैथ्यू, विजय प्रसाद, विनय लाल, अंगना चैटर्जी जैसे फॉइल के खास सदस्य तथा कई अन्य लोग रहे हैं जो US में भारत विरोधी संगठन के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जैसा कि हमने पहले देखा था। आज भारत के बाहर AID अरविंद केजरीवाल का मुख्य समर्थक संगठन है। अतः ये स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल का भारत विरोधी संगठनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है, जिनका ISI, इस्लामी, ईसाई मिशनरीज और भारत के अंदर तथा बाहर के कम्युनिस्ट ग्रुप से गठजोड़ है। नक्सलियों से सहानुभूति रखने के लिए प्रसिद्ध विनायक सेन, जो अब आप में शामिल हो गए हैं, उनकी उम्मीदवारी इस बिंदु को और भी प्रमाणित करती है। अब एक बार पश्चिमी ताकतों के साथ के दूसरे लोगों के संबंधों की समीक्षा कर ली जाए। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका CIA जैसे संगठन कई देशों में अपने क्रियाकलाप के संचालन के लिए शैक्षिक रूट के जरिए लोगों की भर्ती करते हैं। ऐसी ही एक शोधकर्ता हैं शिमरिट ली। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की इस शोधकर्ता ने केजरीवाल के विवादास्पद NGO कबीर के साथ 2009-2010 में कार्य किया। वो जन शक्ति, भारत और दूसरे लोकतंत्र पर शोध कर रही थी। भारत में 4 महीने रहने के बाद वो इजिप्ट मिस्र चली गईं और उसने वहां तहरीर इजिप्ट विद्रोह को देखा। ये कहा गया कि शिमरिट ली ने 2010 में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भारत में जन विद्रोह के लिए सलाह दी और दूरगामी परिणाम प्राप्त करने के लिए मोहल्ला और ग्राम सभा के गठन की बात की। ये कहा जाता है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने देश के कानून के अनुसार
बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के एक संदेहास्पद शोधकर्ता की मेजबानी की, जो कि मध्य पूर्व अफ्रीका की चाड में सक्रिय रही। ये भी हो सकता है कि उस 19 वर्षीय महिला को इस विषय में कुछ भी पता ना हो कि वो क्या कर रही थी, लेकिन पश्चिम के उसके प्रायोजक उसके जरिए अपना काम कर रहे थे। केजरीवाल का संबंध US स्थित NGO आवाज से है, जो मिस्र, सीरिया, लिबिया और ट्यूनीशिया में नागरिक अवज्ञा आंदोलनों को फंडिंग कर रहा था। केजरीवाल ने परिवर्तन और कबीर दोनों के वेबसाइट को बंद करके इन अधिकांश जानकारियों को तब छुपाने का प्रयास किया जब ये जांच के घेरे में आया। कबीर को दिए फंड के विवरण सहित प्रमुख फंडिंग स्रोत फोर्ड फाउंडेशन को 2012 में इसकी वेबसाइट से हटा दिया गया। 2002 में फोर्ड फाउंडेशन ने अरविंद केजरीवाल के NGO संपूर्ण परिवर्तन और CSDS को क्रमशः $80,000 और $2,50,000 का अनुदान दिया। अरविंद केजरीवाल के मुख्य सहयोगी योगेंद्र यादव CSDS के अधिकारी रहे हैं। केजरीवाल को ये फंडिंग एक आपराधिक गतिविधि थी, क्योंकि 2002 में वो एक सरकारी कर्मचारी थे। सरकारी कर्मचारी बिना योग्य अनुमति के ना ही NGO को चला सकते हैं और ना ही अनुदान ले सकते हैं। अध्ययन अवकाश के दौरान केजरीवाल ने पूरी तरह से सरकारी वेतन लेते हुए मनीष सिसोदिया के साथ 2000-2001 में परिवर्तन शुरू किया। अपनी वेबसाइट पर 10 मार्च 2009 को परिवर्तन ने घोषणा की कि ये न तो NGO है और न ही पंजीकृत संगठन, और आयकर के प्रयोजन के लिए ये लोगों का संगठन था। हालांकि 2002 में वेबसाइट ने घोषणा की कि ये संगठन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत है और IT एक्ट के 12A के 80G के तहत आयकर से मुक्त है। ये स्पष्टतः भारत और भारत के लोगों के साथ धोखाधड़ी है। केजरीवाल ने परिवर्तन से हटकर एक दूसरी NGO कबीर की स्थापना की। दस्तावेजों के अनुसार कबीर की स्थापना 15 अगस्त 2005 को हुई थी। ये भी अवैधानिक था, क्योंकि तब केजरीवाल सरकारी नौकरी में थे। कबीर दृढ़ता पूर्वक दावा करता है कि NGO ने अपना संचालन 15 अगस्त 2005 को शुरू किया, जिसमें फोर्ड फाउंडेशन का योगदान 43.5 लाख रुपए था, जबकि फोर्ड फाउंडेशन के वार्षिक रिपोर्ट का दावा है कि उसने कबीर को 15 जुलाई 2005 को $1,72,000 का अनुदान दिया। ये केवल षड्यंत्रकारी ही नहीं है कि फोर्ड फाउंडेशन ने कबीर को इसके शुरुआती सालों में फंडिंग की, बल्कि इसकी स्थापना के एक महीना पहले ही अनुदान दिया। ये जालसाजी कबीर और फोर्ड फाउंडेशन के दो अभिलेखों से स्पष्ट है, जो कि नीचे दिया गया है। कबीर ने अपने वार्षिक रिटर्न्स में दिखाया है कि उसने 2005 और 2011 के बीच फोर्ड फाउंडेशन से दो बार में 75,54,006 रुपए प्राप्त किए। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उसी समय केजरीवाल की राजनीतिक गतिविधियों के लिए अवैध विदेशी फंडों के विषय में कई प्रश्न उठाए गए थे। जांच के घेरे में आने पर 2012 में अचानक कबीर और परिवर्तन ने अपनी वेबसाइट बंद कर दी। कई पश्चिमी स्रोतों द्वारा उदार फंडिंग के बाद केजरीवाल ने 2006 में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया। सबसे बड़ी धोखाधड़ी ये है कि दानकर्ता संगठन, जिन्होंने केजरीवाल के तथाकथित NGO को अनुदान दिया, वही उनके मैग्सेसे पुरस्कार में निर्णयकर्ता थे। इसमें CIA शामिल है। बाद में भारत में फोर्ड फाउंडेशन के प्रतिनिधि स्टीवन सोलनिक ने 31 अगस्त 2012 को स्वीकार किया कि केजरीवाल के लिए मैग्सेसे अवार्ड का अनुदान उनके द्वारा दिया गया। इसके बाद विदेशी धन
केजरीवाल के एनजीओ में आने लगा। बियॉन्ड हेडलाइंस नामक एक वेबसाइट द्वारा दायर आरटीआई के जवाब के अनुसार केजरीवाल के एनजीओ कबीर को धन देने वाले विदेशी सहायकों में फोर्ड फाउंडेशन 86,61,742 रुपए, PRIA 2,37,035 रुपए, मंजुनाथ षणमुगम ट्रस्ट 3,70,000 रुपए, डच एम्बेसी 19,61,968 रुपए, एसोसिएशन फॉर इंडियाज डेवलपमेंट 15,00,000 रुपए, इंडियाज फ्रेंड्स एसोसिएशन 7,86,500 रुपए, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम 12,52,742 रुपए थे, जबकि 2007-2010 के बीच व्यक्तिगत अनुदान द्वारा 11,35,857 रुपए जमा किए गए। क्या ये केवल एक संयोग मात्र है कि अपने सरकारी कार्यकाल के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली के बाहर कभी कार्य नहीं किया, और उनकी इस दलाली में कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी मदद करती थी? ये अब अच्छी तरह से पता हो चुका है कि उनका कांग्रेस पार्टी से मजबूत गठबंधन है। क्या आप भ्रष्टाचार के लिए चिंतित हैं? क्या आप राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में चिंतित हैं? कई राष्ट्र विरोधी शक्तियों के साथ अरविंद केजरीवाल का संबंध मात्र एक राजनीतिक डर नहीं है, अपितु इस देश के लिए सुरक्षा का डर है। उनका मुख्य उद्देश्य भारत को अस्थिर करना है तथा विदेशी एजेंडा को लागू करना है। आइए अब आम आदमी पार्टी के प्रमुख सदस्यों की भूमिका की समीक्षा करते हैं। प्रायः उनमें से सभी विवादास्पद हैं और उनकी भूमिका प्रश्न करने योग्य है। बहुत से लोगों के लिए अन्ना हजारे केजरीवाल के गुरु हैं, मगर वास्तविक गुरु अरुणा रॉय हैं, जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की अध्यक्षा रही हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निर्णय को प्रायः सरकार की तरह प्रभावित करने का काम किया और जो कांग्रेसी सरकार तथा सोनिया गांधी से जुड़ी रही हैं। शुरुआत में अरविंद केजरीवाल ने सूचना के अधिकार के लिए अरुणा रॉय के साथ कार्य किया, जिसके लिए उन्हें 2006 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ये आरटीआई कानून का काम अन्ना हजारे द्वारा पहली बार सन 2000 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। अरविंद केजरीवाल की तरह उन्हें भी वर्ष 2000 में रमन प्रणब मुखर्जी के पास भेजी थी। प्रशांत भूषण ये कार्यकर्ता, वकील और राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन कई विवादों में शामिल रहे हैं, विशेषकर कश्मीर, नक्सलवाद और आतंकी आक्रमण के संदर्भ में। भूषण अजमल कसाब की फांसी के विरुद्ध मुखर वक्ता थे। उन्होंने अफजल गुरु के लिए राष्ट्रपति से क्षमा याचिका के प्रार्थना पत्र पर भी हस्ताक्षर किया था, जिसे 2001 के भारतीय संसद पर हमले के लिए दोषी पाया गया था। वे इस हमले के आरोपी चार लोगों के वकील थे। प्रशांत ने कश्मीर घाटी में आंतरिक खतरों से निपटने के लिए सेना लगाए जाने के वास्ते जनमत संग्रह कराने की मांग की थी। सुजाना अरुंधति रॉय, हम पहले ही जान चुके हैं कि कैसे वे AID, अंगना और दूसरे छत्री समूह से जुड़ी हैं और अफजल गुरु के मृत्यु दंड को रुकवाना चाहती थीं। उन्होंने 2008 के मुंबई हमले को भी कश्मीर मामले से जोड़ा था। उन्होंने हमेशा नक्सलवाद के विरुद्ध सरकारी कार्रवाई की आलोचना की है, जबकि वास्तविकता ये है कि आतंकवाद के बाद भारत में नक्सलवाद एक बड़ा खतरा है। मनीष सिसोदिया, आपके अधिकारी बनने के पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थे। फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान से चलने वाले कबीर फाउंडेशन के वो भी एक हिस्सा थे। उन्हें और उनकी पत्नी को उनके एक एनजीओ को प्राप्त विदेशी अनुदान के गलत उपयोग का दोषी पाया गया।
योगेंद्र यादव 2004 से सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज दिल्ली CSDS के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं। वे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस UPA सरकार द्वारा स्थापित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल NCA के शिक्षा के अधिकार के मुद्दे से जुड़े हुए थे। योगेंद्र यादव को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ICSSR द्वारा अनुदान दिया जाता था, जिसे बाद में फोर्ड फाउंडेशन द्वारा अनुदान मिलने लगा। यादव कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। शाजिया इल्मी एक राजनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। शाजिया इल्मी कानपुर के मुस्लिम परिवार की हैं, जिनका संबंध भारतीय कांग्रेस पार्टी से है। शाजिया इल्मी को कुमार विश्वास जैसे आप नेताओं के साथ किसी को समर्थन देने के बदले उससे पार्टी के लिए पैसा लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में देखा गया था। उनके पास लगभग 37 करोड़ की संपत्ति है। हर्ष मंदर, अरुणा रॉय की तरह वे भी सोनिया गांधी द्वारा स्थापित नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य थे। प्रशांत भूषण व अन्य दूसरे लोगों की तरह वे भी उन लोगों में से एक हैं, जिन्होंने सिफारिश की थी कि अफजल गुरु को फांसी पर न लटकाया जाए। मेधा पाटकर, हम पहले ही उनके दोहरे चरित्र और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को देख चुके हैं। मीरा सान्याल, आप लोकसभा उम्मीदवार मीरा सान्याल राजनीति में आने के लिए रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड को छोड़ चुकी हैं। वो प्रदान के बोर्ड की सदस्य हैं, जो कि एक NGO है और भारत के ग्रामीण इलाके के नक्सली क्षेत्रों में काम करता है। गोपाल राय, सोनिया गांधी की NAC के पूर्व सदस्य, जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन CPIML से संबद्ध के अध्यक्ष थे और जो अपनी माओवादी सोच के लिए जाने जाते हैं। क्यों कांग्रेस सरकार के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के इतने सारे सदस्य अब आपके साथ हैं? क्या आप गुलाम नबी फाय, AID, फॉयल, कायर, IAMC, अंगना, अरुंधति, मेधा पाटकर, हर्ष मंदर, तीस्ता शीतलवाड, प्रशांत भूषण, गोपाल राय के बीच के गठजोड़ को देख सकते हैं? आप और कांग्रेस के बीच के गठजोड़ को देख सकते हैं? लोगों ने पूछा कि क्यों अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया? क्या इसका कोई तार्किक मतलब हो सकता है कि पार्टी और उसके नेतृत्व ने उसी आप सरकार को बनाने के लिए समर्थन दिया जिसने उसके विरुद्ध इलेक्शन लड़ा था? कोई मूर्ख भी कांग्रेस पार्टी के साथ इसके आंतरिक गठबंधन को समझ लेगा। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। अंततः हम प्रमुख भारतीय मीडिया पर भी एक नजर डाल लें, जिसने अरविंद केजरीवाल और आपको गैर आनुपातिक कवरेज दिया है। प्रमुख खिलाड़ी भारत सरकार, कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टियों और उनके नेताओं से गुप्त रूप से जुड़े हुए हैं। आज आपके सबसे बड़े समर्थक हैं कुछ बड़े मीडिया घराने। उनमें से अधिकांश का स्वामित्व विदेशी कंपनियों के पास है और कुछ कांग्रेस पार्टी में है। नई दिल्ली टेलीविजन या NDTV, प्रणव रॉय, उनकी पत्नी राधिका रॉय, प्रकाश करात, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव के को ब्रदर हैं, उनकी पत्नी और वृंदा करात बहनी हैं, और प्रणव रॉय की चचेरी बहन प्रसिद्ध अति वामपंथी माओवादी नक्सलवादी कश्मीरी समर्थक राष्ट्र विरोधी अंगना चटर्जी की दोस्त हैं अरुंधति सुजाना रॉय। CPIM के पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य और संसदीय ग्रुप लीडर हैं सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी की शादी सीमा चिश्ती से हुई है। सीमा चिश्ती इंडियन एक्सप्रेस की रेसिडेंट एडिटर हैं। नरसिम्हन राम द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ हैं। वे कम्युनिस्ट स्टूडेंट ग्रुप
स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व नेता हैं एनडीटीवी की बरखा दत्त और हिंदुस्तान टाइम्स के वीर संघवी यूपीए संगठन के बिचौलिए हैं जो राडियागेट स्कैंडल में उजागर हुए जो बाद में 2G के घपले से जुड़ गया और ये दोनों अपनी क्षमताओं का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कांग्रेस और आपके वास्तविक प्रवक्ता बने हुए हैं। इसके बदले में नेहरू खानदान या कांग्रेस पार्टी द्वारा बरखा और संघवी को पद्मश्री से नवाजा गया और दूसरे आर्थिक लाभ दिए गए। बरखा दत्त का व्यक्तिगत जीवन भी रहस्यों से भरा है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने 2 शादियां की हैं। उनके दोनों पति कश्मीरी मुस्लिम हैं। एनडीटीवी हमेशा कश्मीरी अलगाववादियों को ज्यादा स्थान देता रहा है जो भारत से आजाद होना चाहते हैं। ये तीस्ता शीतलवाड और अरुंधति रॉय जैसे लोगों को भी अच्छा कवरेज देता रहा है। एनडीटीवी की सोनिया सिंह, उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी सांसद, केंद्रीय मंत्री, पूर्व महाराजा और कांग्रेस पार्टी के श्री आरपीएन सिंह की पत्नी हैं। एनडीटीवी की निधि राजदान, निधि राजदान भी कांग्रेस के समर्थन और भाजपा के विरुद्ध के पूर्वाग्रह से संबंधित अपने लेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। इंडिया टुडे पत्रिका एनडीटीवी के द्वारा खरीदी जा चुकी है। इस समूह का दूसरी मीडिया के अलावा आज तक और बिजनेस टुडे पर स्वामित्व है। इसके इंडियन हेड राजदीप सरदेसाई और उनकी पत्नी सागरिका घोष हैं। सागरिका के पिता भास्कर घोष को इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में प्रसार भारती दूरदर्शन का प्रमुख बनाया गया था। नेहरू गांधी खानदान के प्रति अपनी व्यक्तिगत निष्ठा के लिए भास्कर घोष अत्यंत प्रसिद्ध थे। शोभना भारतीय, हिंदुस्तान टाइम्स की मालिक और मुख्य संपादक, राज्यसभा में कांग्रेस की सांसद हैं। विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक मामलों के संपादक, सभी टीवी चर्चा के पैनल में कांग्रेस प्रवक्ता की तरह पेश आते हैं। द हिंदू के पी साईनाथ, कांग्रेसी नेता वी शंकर गिरी के भतीजे हैं और भारत के पूर्व राष्ट्रपति तथा नामी कांग्रेसी नेता वीवी गिरी के पोते हैं। गिरी खास तौर पर इंदिरा गांधी के कुछ कट्टर वफादारों में से एक जाने जाते हैं। News 24 हिंदी मीडिया चैनल पर पूर्व पत्रकार और संपादक राजीव शुक्ला का स्वामित्व है जो राज्यसभा में नामी कांग्रेसी सांसद, केंद्रीय मंत्री, उद्योगपति, BCCI के उपाध्यक्ष और IPL के अध्यक्ष हैं। अनेक कम्युनिस्ट विचारधाराओं ने भारत की पत्रकारिता, मीडिया और बौद्धिकता वाली जगहों पर अपना दबदबा कायम कर लिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी भारत में, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, NDTV, CNN, IBN, द हिंदू, तहलका, आउटलुक आदि सहित हर प्रमुख मीडिया घरानों पर अपना प्रभुत्व बनाए हुए हैं। और अंततः आपके प्रमुख नेतागण इस मीडिया नेटवर्क का हिस्सा हैं। मनीष सिसोदिया जी न्यूज के पूर्व पत्रकार थे। योगेंद्र यादव 1996 से वे भारत में कई टेलीविजन चैनलों पर चुनाव विश्लेषक और राजनीतिक टिप्पणीकार रहे हैं, जिसमें दूरदर्शन, NDTV और CNN IPN 7 शामिल हैं। शाजिया इल्मी पहले एक टीवी पत्रकार और स्टार न्यूज पर एंकर थीं, और आशुतोष IBN 7 के पूर्व प्रबंधक संपादक थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन मीडिया घरानों द्वारा कांग्रेस और आपके समर्थन में किया जाने वाला प्रचार बिल्कुल स्वाभाविक है। तो भारत के बाहर अंगना, बिजू, विजय, विनय, कलीम ख्वाजा आदि जैसे ये भूतपूर्व भारतीय लोग भारत की छवि को खराब करने के लिए पाकिस्तान, इस्लामी संगठनों और चर्च आदि के साथ काम करते हैं। भारत में कम्युनिस्ट, मिशनरी और इस्लामी समूह
भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और स्थिरता को खराब करने के लिए उन लोगों के साथ काम करता है। ये न केवल भारतीयता के दुश्मन हैं, बल्कि मानवता के भी दुश्मन हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी आप से जुड़े लोग इन विध्वंसक समूहों के साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल अपने आप में भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ये दूसरे सभी सरकारी घोटालों से ज्यादा प्रभावकारी और खतरनाक हैं।